नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रसिद्ध पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक और लोकप्रिय पंजाबी गायक कथित तौर पर पंजाब के गैंगस्टरों के निशाने पर है। पंजाब के दिवंगत गैंगस्टर विकी गौंडर के प्रति निष्ठा का दावा करने वाले एक समूह से संबंधित एक अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट ने पंजाबी गायक मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी दी है। मनकीरत औलख पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए संगठन ने औलख को खत्म कर बदला लेने की धमकी दी है। इससे पहले प्रसिद्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके कनाडा से सहयोगी गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब तेजी के साथ बढ़ने लगा है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि गत 7 जून मंगलवार को मात्र 450 मरीज रिकॉर्ड किए गए थे, वहीं अब एक सप्ताह के बाद 14 जून मंगलवार को संक्रमित मरीजों का दैनिक आंकड़ा डबल पार गया, जो कि 1118 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अब दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी अब मंगलवार को 6.50% पहुंच गया। गत मंगलवार को ये पॉजिटिविटी रेट मात्र 1.92% रिकॉर्ड किया गया था। इसी बीच देखा जाए तो अब दैनिक आधार पर आने वाले संक्रमित मरीजों को पॉजिटिव रेट जिस तरह से बढ़ रहा है वो बेहद ही चिंताजनक है। एक सप्ताह के भीतर संक्रमित मरीजों के रिकॉर्ड में आए इतने बड़े उछाल के बाद अब कुछ नियमों में सख्ती बरते जाने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लगातार तीसरे दिन पेश होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। इस दौरान कांग्रेस की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इससे पहले नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार 2 दिनों तक ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई थी। दूसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। पुरुष कर्मचारियों के बराबर सैलरी के विवाद में सर्च इंजन गूगल ने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल गूगल की 4 महिला कर्मचारियों ने कंपनी पर समान काम के बावजूद उन्हें पुरुष कर्मचारियों से कम वेतन देने का आरोप लगाया था। ये मामला कोर्ट में गया और गूगल अब 15,500 से अधिक महिला कर्मचारियों को $118 मिलियन का भारी भरकम भुगतान करने के लिए राजी है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में मंगलवार को 89.30 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार कर रजत पदक जीता। इससे पहले नीरज ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान 87.58 मीटर का थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इस थ्रो के दम पर ही उन्होंने टोक्यो में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। नीरज का 10 महीने के बाद ये पहला टूर्नामेंट था और उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 89.30 का थ्रो किया, जो उनका निजी सर्वश्रेष्ठ थ्रो बना। उन्होंने पहले प्रयास में 86.92 मीटर का थ्रो किया था, जबकि उनके तीसरे, चौथे और पांचवें प्रयास अमान्य करार दिए गए। नीरज ने अपने आखिरी प्रयास में 85.85 मीटर के थ्रो के साथ समापन किया। नीरज ने भले ही अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन वो फिनलैंड के ओलिवियर हेलांडर से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे, जिसे उन्होंने रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हेलांडर ने 89.93 मीटर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।